रिवाइव दे सकते हैं, बट इट विल बी अ रियली रियली टफ फैक्टर टू गिव दैट रिवाइवल एट दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स। बट इसके साथ साथ गॉट डेकर प्लेयर्स अंदर घुस चुके हैं, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आगे के फिनिश पॉइंट्स को जल्द से जल्द कैपिटलाइज किया जाए। उनके सबसे बड़े टारगेट इस मोमेंट पे इज गोइंग टू बी रेवेनेंट क्योया। बिल्कुल क्या अभी बात करें, ट्राई कर रहे हैं न्यू की बात करें तो स्मोक और कुछ वहां पे थ्रोल का इस्तेमाल करें अगर आप नजर डाली, लेकिन सामने से मौलिया न्यू वहां पे बचने में कामयाब हुए, सही टाइम से हट गए, उन्हें नॉक हो सकते थे, लेकिन ये थोड़ा देरी कर बैठे जब तक उस एंगल पे अपने एडीएस को अपने पैर को लेके जाते, बहुत ज्यादा विलंब हो गया, लेकिन इस पावर आएंगे बहुत विलंब हो गया क्योंकि न्यू को नॉक के साथ इससे फिनिश आउट भी करते हैं क्योंकि बात करें बैक एंड साइड साइड बट एरियाज व्हाट आर एरियाज आप मैं देख पा रहा हूं इस सर्कल में जिसके कारण जो फाइट एरिया जो लैंड एरिया अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा कम हो चुका है जिसके कारण तुम बता हो सकते हैं, लेकिन दिल की तरफ से ग्रेनेड शैडो को रनिंग वेकल से यहां पे गिराने के लिए यहां पे काफी था, चलिए अच्छी बात है बैकअप के रूप में इनके टीममेट है, रिवाइवल मिल जाना चाहिए, लेकिन इस पावर वहां पे कुछ हरकत में उनकी तरफ से देख पा रहा हूं क्या वो ग्रेनेड करने वाले या फिर वो स्लैम करने का डिसीजन लिया गया क्योंकि चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे विलंब हो गया, रिवाइवल मिल चुका है शैडो पर 70 HP, बड़ी जल्दी से तरीके से रिकवर कर लेंगे, वापस एक ग्रेनेड जाएगा, क्या ये ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढ पाएगा, बिल्कुल ढूंढ पाएगा, इस पावर को डाउन करने में कामयाब होकर अब शैडो भी डाउन है यहाँ पे नेक्रोस, अगर आप एक प्लेयर को नॉक करें तो आपके खिलाड़ी को भी डाउन करने में यहाँ पे कामयाब करते हैं किसी गॉड की तरफ से, वापस से एक ग्रेनेड हम देख पा रहे हैं, इस पावर को रिवाइवल की आवश्यकता मिल जाना चाहिए मिल जाएगा, तो इससे कहने के ये साबित हो रहा है कि आप डाउन करेंगे तो जवाबी कार्रवाई भी उतना ही ज्यादा बेहतर रहा, जो हल्की फुल्की बची हुई काम थी वो गिल आएंगे अपने सॉल्ट के साथ करेंगे, 9 फिनिश पॉइंट निकाल चुके हैं यहाँ पे टीम गॉडलाइक, बड़े दिनों बाद मैं देख पा रहा हूँ कि गॉडलाइक फिलहाल फिनिशेस निकाल रहे हैं, एंट्री करना इज वेरी लाइक आई वुड से इम्पॉसिबल हो चुका है, कांति वहां पे डाउन है, रिवाइवल मिल जा सकता है या नहीं भी मिल सकता है, ये नीड अगर कनेक्शन निकालता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कैमरी स्पोर्ट्स के लिए ओपनिंग मिलेगा, जी गॉड गिल दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं, ये नीड पूरी तरीके से आई बिलीव गॉडलाइक को खत्म कर सकता है, गिल को फिनिश किया जाएगा, यहाँ पे नेड्स की बरसात की जा रही है, गॉडलाइक बहुत ज्यादा मुश्किलों में आते हैं, उसके साथ साथ शायद से स्पावर बच जाएंगे अकेले, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, ज़िगॉट को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, स्पावर के लिए ये 1v2 निकालना जरूर से मुश्किल हो सकता है। मीनवाइल